तो अखिलेश का मीडिया बॉयकॉट तो हुआ ही, लेकिन अखिलेश घिरते भी नजर आ रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सपा के 21 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुरादाबाद में मीडिया कर्मियों से मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके अंगरक्षकों के अलावा सपा कार्यकर्ताओं पर मुरादाबाद में एक 5 सितारा होटल में मीडिया कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है। और तो और, आपको बता दें कि पाक बड़ा पुलिस ने अभियोग दर्ज करते हुए घटना की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। होटल रिजेंसी में 2 दिन पहले एक राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी समाप्ति की तरफ था, तो उस समय एक घटना संज्ञान में आई थी जिसके संदर्भ में पुलिस कार्यालय पर उपस्थित होकर के डॉक्टर अवधेश पारासर, जो कि एक प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष तहरीन में उन्होंने अपने को अंकित किया है, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि संबंधित राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी और जो उनके सदस्य हैं उनकी तरफ से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। इस संदर्भ में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही इसमें एक क्रॉस FIR संबंधित राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से तहरीर के रूप में प्राप्त हुआ। वही मीडिया कर्मियों से मारपीट के आरोप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 21 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। और इससे भाजपा की हताशा का प्रतीक करार देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग लगवा देंगे। सपा अध्यक्ष ने मुरादाबाद में उन पर दर्ज FIR के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जवाब दिया, क्या कुछ कहा है ग्राफिक्स के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मेरे खिलाफ जो FIR लिखवाई गई है जनहित में, उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहां प्रकाशित कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। ये FIR हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है, ये कहा अखिलेश यादव ने।